नमस्कार दोस्तों, आज हम डिप्रेशन के मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, साइकियाट्रिस्ट, जैन न्यूरो साइकियाट्रिक एंड डी एडिक्शन क्लिनिक में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन इलनेस है। हर 5 में से एक इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में डिप्रेशन से सफ़र करता है और करीब 30 करोड़ लोग दुनिया में एट ए टाइम डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी इलनेस है जिसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो है वो सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है। उसकी वजह से लोग डिप्रेशन या अदर मेंटल इलनेसेस को एज ए स्टिग्मा लेते हैं और वो उससे दूर भागते हैं, डॉक्टर्स के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं। मैं आज आपसे डिप्रेशन के मोस्ट कॉमन 5 मिथ्स के बारे में बात करूंगा और उसके फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मिथ है डिप्रेशन के बारे में वो ये है कि क्या डिप्रेशन सच में कोई इलनेस भी है। यूजुअली लोग ये मानते हैं कि जो इंसान सैड है वो डिप्रेस्ड है, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं, या वो बहुत कमज़ोर है, मेंटली वीक है, या उसकी विल पावर बहुत कम है, उसको वो डिप्रेशन मान लेते हैं। क्या यही डिप्रेशन है? नहीं, डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल डिसऑर्डर है और इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल या सोशल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कारण जो होते हैं बेसिकली जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी को डिप्रेशन की बीमारी रही है तो वो जीन्स आपकी फैमिली में रन कर रहे होते हैं, आपके अंदर भी वो जीन्स होते हैं, और अगर वो जीन एक्टिव है तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो अपने मूड को रेगुलेट करते हैं। स्पेशली 3 तरह के केमिकल्स होते हैं जो मूड को कंट्रोल में रखते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, सीरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। जब इन केमिकल्स की मात्रा ऊपर नीचे होती है, डिसबैलेंस हो जाती है, तो डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो मैंने आपको कारण बताया था वो है साइकोलॉजिकल। कुछ लोगों की जो सोच होती है वो डिफेक्टिव होती है, वो हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव निकाल लेते हैं और उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की टेंडेंसी होती है उनकी। तो ये डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो है वो एक बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तीसरा जो रीज़न मैंने आपको बताया था डिप्रेशन का, वो है सोशल और एनवायरमेंटल। मतलब जो आपकी फैमिली और आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उस समय आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी होते हैं। इस तरीके से डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस या लो विल पावर या कमज़ोरी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर है। दोस्तों, जो दूसरा सबसे कॉमन मिथ है डिप्रेशन के बारे में वो ये है कि डिप्रेशन से तो आराम से बाहर निकला जा सकता है। ये प्लीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से डिप्रेशन में नहीं जाता है। अगर ये आराम से बाहर निकलने वाली बात होती तो कोई भी निकल आता, कोई डिप्रेशन में जाता ही नहीं। ऐसा नहीं है, डिप्रेशन किसी की कमज़ोरी नहीं है, ये एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, उसका ब्रेन की केमिस्ट्री, फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर पे जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसको अपना आसानी से नहीं ले सकते कि ये आसानी से बाहर निकल आएगा, पॉजिटिव सोचो बाहर निकल आएंगे। ये लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव ही सोचता रहता है, ये खुद दुखी रहता है। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान मर्जी से दुखी नहीं रहता है, कोई इंसान मर्जी से नेगेटिव नहीं सोचना चाहता है। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें। तो डिप्रेशन आसानी से या अपने आप से बाहर निकलने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन या मिथ है डिप्रेशन के बारे में वो ये है कि डिप्रेशन के जो कारण है वो ये है कि लाइफ में कोई सैड सिचुएशन है और वो सिचुएशन में है इसलिए वो डिप्रेस्ड है। ऐसा नहीं होता है। किसी सैड सिचुएशन में डिप्रेस्ड होना या सैड होना डिप्रेशन नहीं है,
इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ दे दूंगा। डिप्रेशन होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन चाहिए होती है, मिनिमम 2 वीक्स का पीरियड चाहिए, और सिर्फ सैडनेस ही डिप्रेशन नहीं होता है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं, तभी वो डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन जरूरी नहीं है कि आप कोई सैड सिचुएशन में हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तभी हो। एक इंसान जिसकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं चल रहा है, उसके बावजूद वो डिप्रेशन में जा सकता है। उसको जहाँ प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ प्रॉब्लम्स नज़र आने लग जाती है, वो किसी को नज़र नहीं आ रही होती है लेकिन उसको नज़र आ रही होती है। तो डिप्रेशन किसी भी इंसान को हो सकता है। एक जो चौथा मिसकंसेप्शन या मिथ्स जो है डिप्रेशन के बारे में, वो ये है कि डिप्रेशन की जो मेडिसिन होती है वो इंसान की पर्सनैलिटी ही चेंज कर देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन की जो मेडिसिन होती है वो सिर्फ डिप्रेशन के जो केमिकल्स पे ही काम करती है और बाकी के ब्रेन एरियाज़ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन की दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं। और एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है डिप्रेशन को लेके, वो ये है कि डिप्रेशन की दवाई एक बार शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। ऐसा भी हमेशा सच नहीं होता है। यूजुअली जब किसी को डिप्रेशन पहली बार होता है तो हम उसको 6 से 9 महीने के लिए मेडिसिन देते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। और अगर वापस से अगर डिप्रेशन होता है तो हम 2 साल तक का ट्रीटमेंट उसको एडवाइस करते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर उसको डिप्रेशन बार बार हो रहा है, डिप्रेशन की सीवियरिटी कैसी है, जिस इंसान को डिप्रेशन हो रहा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका फैमिली एटमोसफेयर कैसा है, उसकी कोपिंग स्किल्स कितनी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलने वाला है। ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा ये उसकी दवाइयों पर निर्भर नहीं करता है, ये उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। और डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ मेडिसिन ही नहीं होती है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट 4 तरह का होता है। मेडिसिन के अलावा साइकोथेरेपी, जिसमें उसकी कॉपिंग स्किल्स को इंक्रीज़ किया जाता है, उसके सोचने के तरीके को चेंज किया जाता है, चीज़ों को कैसे परसीव करता है उसको चेंज किया जाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थेरेपी का। तीसरा, अल्टरनेटिव थेरेपीज भी होती है जिसमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चौथा, लाइफस्टाइल चेंजेस, उसमें आपकी डाइट, आपके सोने का टाइम, सोने का तरीका, आपका रूटीन, आपका शेड्यूल, ये सब चीज़ें भी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों तक डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं। वो अपने जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा डिप्रेशन में गुजार देते हैं और उनकी लाइफ जहाँ पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, उनसे शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में जाएँ और ट्रीटमेंट लें।